आज की क्लास में भी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको रिप्रोडक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन किया था, आज की क्लास में मैं उसके एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में आपने समझा था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, हालांकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी फीचर्स हैं ये सब डिस्प्यूटेड है आज के डे में। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो बुक्स काफ़ी पुरानी प्रिंटेड हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो कॉन्शियसनेस का पॉइंट पढ़ेंगे वहाँ पे दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स उसमें दिए हुए हैं, लेकिन तब के डे में इतने ज़्यादा एडवांस्ड रोबोट्स नहीं बनाए गए थे जितने एडवांस्ड रोबोट्स आज के डे में बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो न्यू बुक अगर आती है तो ये सारे एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के तौर पे बोला, जिस क्लास में मैं आपको कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करके बताऊंगी उस क्लास में आपको और अच्छे तरीके से बेटर ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है। ठीक है, जब आप अपनी बुक को रीड करना स्टार्ट करेंगे वहां पे एक लाइन लिखी है, इसको आप अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड सिनोनिमस लिखा हुआ है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो सिमिलर मीनिंग्स कैरी करते हैं। ठीक है, वैसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिमस बोलते हैं। अब आप बोलिएगा इसका क्या मतलब है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अगर आप किसी को ऐसा बोलते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है, तो वहां पे लोग यही बोलेंगे कि आप बेवकूफ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स बेसिकली किसके लिए दिए जा रहे हैं, बेसिकली ये बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर आप उठाते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का आप क्या मतलब जानते हैं, और ग्रोथ जब आपने पढ़ा था तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सेल डिवीजन के थ्रू वहां पे क्या होता है, मास इंक्रीज होता है, दैट इज रेफर्ड एज ग्रोथ। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, अगर कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको अपने नंबर को इंक्रीज करना है, तो जब इसको अपने नंबर को इंक्रीज करना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये उसके लिए सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये सेल डिवीजन भी है, बट क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन के मायने भी यही है, इसके लिए रिप्रोडक्शन भी यही है। आपको बात समझ आ रही होगी जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब पेज वाइज बच्चे रीड करना स्टार्ट करते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को ऐसा बोलती हूँ कि आप इसमें से डाउट्स निकाल के लाइए और मेरे से उसको क्लियर कर लिया कीजिए। उसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे जो डाउट पूछते हैं वो यही लाइन है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा। अब आगे मैं बढ़ती हूँ और आगे आपको ये बताने जा रही हूँ कि रिप्रोडक्शन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन समझ लीजिए, वो भी बहुत आसान सा है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, वो इसके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह समझने में दिक्कत आ रही होगी, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स नेचर में अवेलेबल हैं जो अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, और उन ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज स्टेराइल। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स स्टराइल होंगे इसका ये मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जब वहां पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, इट मींस कि उसको हम ऐसा नहीं मानेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वो लिविंग तो है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर क्या हो गया, एक डिस्प्यूटेड टॉपिक हो गया। यहाँ पे भी ये बात बीच में जाके फंस गई कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है या फिर नहीं है। ठीक है, जब आप छोटी क्लासेस में डिफरेंसेस लिखते थे तो वहां पे आप बेसिकली ट्रेडिशनली डिफरेंस लिखते थे, जिसमें आप ऐसा एक्सप्लेन करते थे कि रिप्रोडक्शन अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बट नॉन लिविंग्स के अंदर आप क्या लिखते थे कि ये नहीं होता है। ठीक है, आज के डे में क्या है, यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टेराइल में क्या है, यहाँ पे म्यूल का एग्जाम्पल आपको दिया जाता है। ये म्यूल कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो जब ये स्टेराइल होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग हो गया, है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, ऐसा बोला गया कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर नहीं मानेंगे। ठीक है, बहुत सारे कपल्स भी ऐसे होते हैं जो कि क्या नहीं कर सकते हैं, जहां पे फीमेल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग है, बस इसी वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन के साथ ऐड किया गया कि रिप्रोडक्शन को हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर है। आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। वो एक ऑर्गेनिज्म में जैसा है, जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में पूरे लिविंग सिस्टम में रिप्रोडक्शन का मोड, तरीका, सब कुछ उसी तरीके का हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है, बट बेसिक लेवल पे मैंने आपको समझाने की कोशिश पिछले क्लास में भी की है, अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक दूसरे तरीके से जब आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में आप किसकी बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बात समझ आ रही है आपको, बहुत बेसिक से टर्म्स है ये। ठीक है, यूनि मीन्स वन, यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको अपने नंबर को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, इसके सिवाय दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। और ग्रोथ में भी हमने इसी चीज को पढ़ा है, तो ये बात रही किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमंस का ले लीजिए, इससे आसान आपके लिए समझने में और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को हम नेचर में देख रहे होते हैं, जिसके हम सबसे करीब होते हैं जिस एग्जाम्पल के, वो चीजें हमें ज्यादा बेटर समझ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम देखते हैं, ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पता है आपको, तो मल्टी सेलुलर होने की वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे सेल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन के मोड्स भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, यानी कि चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होने के बाद, आपका चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप जितने भी किंगडम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जो भी 5 किंगडम्स आप पढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता कि बायोलॉजी में आप किसी चीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे आपको उस ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको ना पढ़ाया जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, और आप जहां जहां जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, वहां पे एक्सेप्शंस भी आते हैं, मोड्स भी डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट यहाँ पे क्लास 11th के इस चैप्टर में आपको इतनी बात समझनी है कि आखिर इसका क्या रीजन है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर नहीं मानते हैं। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी, आज की क्लास भी आपको इजिली समझ आ रही होगी हमेशा की तरह। ठीक है, वीडियोस को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि जब मैं भी कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पे मुझे कोई वीडियो देखनी है तो लेंथी वीडियोज में नहीं देखती। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैं आपका सिलेबस बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कराती चलूँ। ठीक है, बाकी वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे ही, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।